नमस्कार, रेडियो स्वागतम 89 मेगाहर्ट्ज आ रेडियो स्वागतम .com मार्फत संसारभर प्रसारण भ रहल स्वागतम समाचार में अपने के स्वागत है। समाचार ल उपस्थित छे हम विनोद। शुरू में प्रमुख समाचार। सातू प्रदेश में कोरोना के नमूना परीक्षण शुरू। प्रदेश दू के जनकपुर में भ रहल ओमनी समूह संघक विवादस्पद ठेक्का समझौता भेल रद्द। सुनसरी में एम्बुलेंस के ठक्कर से स्वास्थ्य कर्मी के जान गेल। स्वास्थ्य मंत्री ढकाल विरुद्ध अख्तियार में पड़ल उजूरी। वीरगंज में नामावली संकलन करत काल दू पक्ष बीच कुटाकुट, 19 गोटे घायल। नेपाल में 1133 गोटे के कोरोना परीक्षण, 99 गोटे आइसोलेशन में भर्ना। एशियाली बाजार में तेल के मूल्य फिर घटल आ चीन द्वारा कोरोना परीक्षण किट सहित अन्य मेडिकल सामग्री निर्यात में प्रतिबंध। आप सुनी समाचार विस्तार से। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल के मूल्य में 10-10 रुपया के दर से घटौलक अछि। नेपाल आयल निगम के संचालक समिति के बैठक 10-10 रुपया घटाव के निर्णय कने अछि। आब पेट्रोल 96 रुपया, डीजल आ मट्टी तेल के मूल्य 85 रुपया प्रति लीटर कायम भेल अछि। काठमांडू उपत्यका बाहर कोरोना COVID-19 के नमूना परीक्षण आब धमाधम शुरू भेल अछि। मंगल दिन परीक्षण के लेल मशीन पुगलाक बाद सातू प्रदेश में नमूना परीक्षण धमाधम भ रहल जनाओल गेल अछि। धरान स्थित बीपी कोराला विज्ञान प्रतिष्ठान में सोमे दिन से शुरू परीक्षण के काज जारी अछि। अखन धरान में दैनिक 12 गोटे के रैल परीक्षण शुरू कयल गेल। प्रतिष्ठान के कार्यवाहक उपकुलपति गुरु खनाल भतौलन अछि। वही क्रम में सबके रिपोर्ट नेगेटिव आयल ओ जानकारी दिलन। तहिना अन्य थप परीक्षण करे के तैयारी से हो भ रहल अछि। तहिना के गंडकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशालय के निर्देशक विनोद बिंदु शर्मा मंगल दिन से रेल परीक्षण सेवा शुरू कयल गेल जानकारी दिलन। हुनक अनुसार अखन धरि 3 टा परीक्षण कयल गेल में 2 गोटे के संक्रमण नहीं देखल गेल आ 1 गोटे के रिपोर्ट आब के बाकी रहल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर, सुदूर पश्चिम प्रदेश के धनगढ़ी, कर्नाली प्रदेश के सुर्खेत आ प्रदेश नंबर 5 के बुटबल में से हो आई सांस नमूना परीक्षण कर के काज शुरू भेल। प्रयोगशाला व्यवस्थापन समिति के पुष्पराज खनाल जानकारी देलन अछि। हुनक अनुसार ई चारू स्थान में नमूना परीक्षण के लेल पोर्टेबल PCR मशीन सहित संपूर्ण सामग्री पुग चुकल अछि। ऐसे पहिने प्रयोगशाला संचालन कर के लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनशक्ति खटा चुकल अछि। मंत्रालय अखन के लेल दैनिक 12 गोटे के नमूना परीक्षण केलाक बादो जल्दीय प्रयोगशाला के स्तर वृद्धि क सातू प्रदेश से दैनिक 1000 गोटे के स्वास्थ्य परीक्षण करे के तैयारी के ने जानकारी देलक अछि। सरकार कोरोना संक्रमण रोक चीन से स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा आपूर्ति के लेल ओमनी OBCA ग्रुप संग के ने समझौता रद्द केलक अछि। कोरोना संक्रमण रोक आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति के लेल स्वास्थ्य मंत्रालय ओमनी समूह संग 1 अरब 24 करोड़ रुपया में ठेक्का समझौता केने छल। उक्त समूह संघक ठेक्का विवाद में पड़ल छल। ठेक्का समझौता टोरल गेल जानकारी आई आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक महेंद्र श्रेष्ठ जानकारी देने छथि। प्रस्ताव से 0.5% घटाकर प्रस्ताव पास केने हो तो ई महामारी के समय में जल्दी सामान लाब 20% महग में समझौता भेल छल। श्रेष्ठ कहलन 20% बहुते तनाव नहीं छल, आदमी बचाव प्रमुख बात है। मुदा ओ सब कहने जते सामान नहीं लौने अछि। 30 तारीख धरि में 10% मात्र सामान आयल अछि। आय धरि कबोल अंक के 18% मात्र सामान आब प्रभाग छल, मुदा नहीं अला कारण ओमनी संघक समझौता रद्द केने ओ जानकारी देने छथि। श्रेष्ठ समझौता रद्द कर ओमनी के धरोटी जफत कर के तैयारी समेत बहरहाल बतौलन अछि। ओमनी उक्त ठेक्का के लेल 5 करोड़ रुपया धरोटी रखने छल। ओकर धरोटी जफत कर कालो सूची में लजेबाक तैयारी भेल ओ कहलन अछि। तहिना श्रेष्ठ सामान अभाव में बिरामी के जाँच नहीं रोक डॉक्टर सबके आ स्वास्थ्य कर्मी सबके अपील केने छथि। ओ समूह 1 अरब 24 करोड़ रुपया में अति आवश्यक सामग्री खरीद कर के ठेक्का स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय समिति के बैठक से पौने छल। ओमनी समूह चीन से 18 प्रकार के स्वास्थ्य सामग्री लेबाक कबूल केने छल। सुनसरी में एम्बुलेंस के ठक्कर से एक स्वास्थ्य कर्मी के जान गेल अछि। सुनसरी के निर्वाचक मधेसा रत्ना श्रेष्ठ के मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक अछि। ओ मधेसा स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत छलथि।
आइको 196005 नम्बर के एम्बुलेन्स को 16P2064 नम्बर के स्कूटी में सवार 35 वर्षीय श्रेष्ठ के ठक्कर देने छल। ठक्कर से हुनक माथ में गंभीर चोट लागल। उपचारक लेल न्यूरो अस्पताल विराटनगर ल जात काल जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी जनौलक अछि एम्बुलेंस तीव्र गति में रहला कारण दुर्घटना भेल प्रहरी के अनुमान अछि। स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में उजुरी पड़ल अछि। विवेकशील नेपाली दलक नेता तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेश पौडेल स्वास्थ्य मंत्री ढकाल विरुद्ध अख्तियार में उजुरी देने छथि। बाजार दर से 4 गुना महग पर जका मेडिकल सामग्री खरीद के ने कहत मंत्री ढकाल विरुद्ध उजुरी पड़ल अख्तियार जनौलक अछि। न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सरकार आम संचार प्रतिष्ठान सबके श्रमजीवी पत्रकार सब जोखिमपूर्ण अवस्था में से हो नागरिक के सुसूचित कर के जिम्मेवारी सहित कार्यस्थल में रहला से ओकर सबके उचित राहत आ पारिश्रमिक देव मांग कलक। समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अरियाल सरकार घोषणा केने राहत पैकेज में श्रमजीवी पत्रकार आ आम संचार माध्यम संग संबंधित विषय समावेश नहीं भेला से विशेष राहत पैकेज तत्काल घोषणा कर आग्रह केने छथि। कार्यस्थल में खटल श्रमजीवी पत्रकार के स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत के विषय में संबंधित आम संचार प्रतिष्ठान थप गंभीर बन आ आवश्यक प्रबंध मिलाब वो अनुरोध सेहो केने छथि। अध्यक्ष अरियाल जारी केने अपील में कहल गेल अछि इस संकटपूर्ण घड़ी में कतेको श्रमजीवी पत्रकार सब समय में पारिश्रमिक नहीं पेला से आर्थिक समस्या झेल पड़ल। गुनासो अला से संबंधित आम संचार प्रतिष्ठानक समस्या के समाधान कर आग्रह करे छे। ओ सरकार संचार क्षेत्र के प्राथमिकता में रहकर सेवा उद्योग के रूप में मान्यता दकर नवीकरण आ कर छूट के व्यवस्था मिलाब जरूरी रहल कहत मफसल आ श्रमजीवी के सबके संचालन के ने स्वरोजगार मूलक आ साना लगानी के मीडिया में थप आर्थिक संकट भेला से ओकरा सबके सहयोग कर से हो आग्रह केने छथि। अरियाल महामारी के समय में संवेदनशील बनत सत्य तथ्य सकारात्मक आ जनता के त्रसित नै बनाबे वाला समाचार सब संप्रेषण कर आग्रह से हो केने छथि। स्वागतम समाचार अखन जारी अछि मुदा बेर भेले छोटछिन व्यापारिक विश्राम के। विश्रामक बाद स्वागतम समाचार में आप सुनी बाकी समाचार। कोरोना वायरस के कारण पूरा नेपाल लॉकडाउन रहल समय में समस्या में पड़ल विपन्न परिवार के राहत वितरण कर के लेल नामावली संकलन करत काल कुटाकूट भेल अछि। पर्सा के बीरगंज महानगरपालिका 19 स्थित परेवा टोल में आई राहत वितरण कर के लेल नामावली संकलन कर क्रम में टोले के दू पक्ष बीच कुटाकूट भेल। वार्ड अध्यक्ष संतोष तिवारी जानकारी देलन अछि। उक्त कुटाकूट में महिला बाल बालिका सहित 19 गोटे घायल भेल। वार्ड अध्यक्ष तिवारी बतौलन अछि घायल सबके नारायणी अस्पताल में उपचार भ रहल अछि। लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल अति विपन्न परिवार के वडा में राहत वितरण कर के लेल नाम संकलन कर सर्वपक्षीय बैठक से समिति बनाओल गेल छल। उक्त समिति वडा में भेल केहुनिया आ बरेबा गांव में लॉकडाउन के कारण समस्या में पड़ल सबके नामावली संकलन क के राहत के लेल सिफारिश करत वडा अध्यक्ष तिवारी के कहब अछि। वडा में दूटा गांव रहला से अलगे अलगे दूटा टोली से हो बनाओल गेल छल। वही समितिक पदाधिकारी सब नामावली संकलन कर गांव में पुगल समय कुटाकूट भेल अछि। मुदा नाम संकलन करत काल अचानक दू पक्ष बीच कुटाकूट भेल वडा अध्यक्ष तिवारी के कहब अछि। मंगल दिन बीरगंज महानगरपालिका बोर्ड बैठक से निर्णय क के लॉकडाउन से प्रभावित महानगर के गरीब तथा अति विपन्न परिवार सबके राहत वितरण करबाक निर्णय महानगरपालिका केने छल। महानगर में रहल 32 वडा में रहल विपन्न परिवार के राहत वितरण के लेल महानगरपालिका 1 करोड़ बजट छुटियौने महानगरपालिका के मेयर विजय कुमार सराबगी जानकारी देलनि। राहत वितरण करक लेल नाम संकलन करैत गेला पर कुटाकूट हेब दुखद खबर रहल आ घटना में संलग्न सबके कार्यवाही करबाक मेयर सराबगी के कहब अछि। धनुषाक क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नंबर 8 तिबगनपुर में आई जला मजदूरी के जीवन चला रहल गरीब विपन्न घर परिवार के खाद्यान्न तथा राहत वितरण कलक अछि। अखन विश्वभर फैलल आ महामारी के रूप लेने कोरोना वायरस COVID-19 के जोखिम नियंत्रण के लेल सरकार जारी रखने लॉकडाउन के अवधि में साँझ बिहान छाँक टारा दैनिक जन मजदूरी करय वाला विपन्न गरीब दलित घर परिवार सबके घर घर में पुगिक राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री वितरण कैल जा रहल क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका जनौलक अछि। वही क्रम में आई दिगंबरपुर में 123 गरीब विपन्न घर परिवार में घर घर में जाकर
राहत तथा खाद्यान्न सामग्री वितरण केने वडाध्यक्ष अशेश्वर महतो जानकारी देलन अछि। तहिना काल प्रत्येक घर में साबुन वितरण कयल जायत वडाध्यक्ष महतो बतौलन अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के परीक्षण कराबे वाला के संख्या आई धर में 1133 पुगल अछि, मुदा देशभर अ के शंका कैल गेल 99 गोटे बिरामी आइसोलेशन में उपचार करा रहा अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय कोविड 19 संबंधी अपडेट के लिए दैनिक करबला लाइव कार्यक्रम अंतर्गत आज दोपहर प्रवक्ता डॉक्टर विकास देवकोटा नया 73 गोटे बिरामी के नमूना परीक्षण के नतीजा आयल जानकारी देने छथि। अय संगे नेपाल में कोरोना परीक्षण कराबला के संख्या 1133 पुगल अछि, मुदा लाइव कार्यक्रम में प्रवक्ता देवकोटा परीक्षण संख्या बतौने हो तो आय के रिपोर्ट में कते नेगेटिव कते पॉजिटिव भेल से जानकारी नै देने छथि। धनसाक क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 5 महानगर में आज क्षीरेश्वरनाथ उद्योग वाणिज्य संघ साबुन आ मास्क वितरण कलक। उद्योग वाणिज्य संघ महानगर वृद्ध सबके एकटा का साबुन आ दूटा का मास्क तथा बिस्कुट आ चाउ चाउ वितरण केने जनौलक। कोरोना वायरस के संभावित जोखिम से बचाव के लिए साबुन आ मास्क महत्वपूर्ण रहला से हाथ धोब लेल साबुन आ मुँह नाक झाँप लेल मास्क वितरण कैल गेल। संघ के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद यादव जानकारी दिलन अछि। महानगर के डाटा टोल से गिरी टोल धर साबुन आ मास्क वितरण करते कोरोना वायरस संबंधी जनचेतना समेत जगौने ओ जानकारी देने छथि। कोरोना वायरस के कारण देश लॉकडाउन में रहल समय सरकार जनता के लिए उपलब्ध करौने राहत वितरण काज में नगर पालिका से मनमौजी कर रहल राजपा नेपाल धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के अध्यक्ष अजीत कुमार शाह के आरोप है। गरीब विपन्न दलित वर्ग के लिए दैनिक गुजारा कर समस्या भेल कहत सरकार स्थानीय पालिका सब मार्फत उपलब्ध करौने राहत स्वरूप के रकम में मनमौजी का अपन पार्टी कार्यकर्ता सबके बांट रहल अध्यक्ष शाहक आरोप है। प्रदेश दू सरकार गरीब असहाय आ आम जनता के लिए जीवन निर्वाहक लेल मिथिला नगरपालिका आ क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका के उपलब्ध करौने राहत स्वरूप के बजट में कंजूसाई का प्रदेश सरकारक नीति विरुद्ध जनप्रतिनिधि सब अपन कार्यकर्ता सब के मात्र बांट रहल अध्यक्ष शाह जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख है। विज्ञप्ति में प्रदेश सरकारक नीति निर्देशन विरुद्ध भ्रष्टाचार करबाक लेल सर्वदलीय समिति गठन नै क के अपन अपन पार्टी कार्यकर्ता के राहत बांट रहल उल्लेख है। विज्ञप्ति मार्फत अध्यक्ष शाह अही कार्य के घोर भर्सना करैत अविलंब दुनू नगर पालिका में सर्वदलीय समिति बनाकर राहत सामग्री वितरण कर मांग केने छथि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सऊदी अरेबिया तेल उत्पादन बढ़ाव लगले एशियाली बाजार में आई तेल के मूल्य में कमी आयल। कोरोना वायरस के महामारी के कारण विश्वभर अखन तेल के मांग में कमी आयल। बीतल सोम दिन से तेल के मूल्य 18 वर्ष के न्यून बिंदु में झरल छल, मुदा वायरस से सृजित आर्थिक क्षति के न्यूनीकरण कर विश्व के नीति निर्माता सब आगू सारने नया नीति सब के कारण बाजार में किछ सुधार आयल छल। आईएसएलई बाजार में अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में 1.66% कमी आबिक कच्चा तेल प्रति बैरल 20.14 अमेरिकी डॉलर में किन बेच भेल। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल के मूल्य में से 3.42% कमी भक प्रति बैरल 25.45 अमेरिकी डॉलर में किनबेच भेल। विश्व बाजार में तेल के मांग घटलाक बाद सऊदी अरेबिया आ रसिया बीच तेल उत्पादन में कटौती नहीं करबाक घोषणा से बाजार में तेल के मूल्य में भारी गिरावट आयल। अही वर्षक मार्च महीना के अंत धरि में अर्थात 3 महीना के अवधि में तेल के मूल्य में करीब 60% से बेसी कमी आयल। चीन द्वारा कोरोना वायरस परीक्षण किट आ अन्य मेडिकल सामग्री के निर्यात में प्रतिबंध लगाओल गया। चीनिया कोरोना वायरस तथा अन्य मेडिकल सप्लाई उत्पादक कंपनी आंतरिक बाजार में ओ सामग्री बिक्री वितरण करे के लाइसेंस नहीं लेब धर ओ उत्पादन सब अन्य मुल्क में निर्यात में प्रतिबंध लगौने जनौलक। चीन निर्यात के ने परीक्षण किट आ अन्य मेडिकल सप्लाई के विषय में यूरोप आ अन्य विभिन्न उत्पादन के गुणस्तर आ विश्वसनीयता पर प्रश्न उठल आलोचना भेलाक बाद चीन यह निर्णय केने अछि। चीन जारी केने अहि नियम में कोरोना वायरस टेस्ट किट मास्क पीपीई वेंटिलेटर आ इन्फ्रारेड थर्मोमीटर उत्पादन करयवला संपूर्ण कंपनी सबके लागू होब जका मंगल दिन से चीनिया वाणिज्य मंत्रालय सामान्य प्रशासन आ राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पादन प्रशासन संयुक्त रूप में जारी केने विज्ञप्ति मार्फत ई बात के जानकारी देने अछि। ऐसा पहिने चीनिया कंपनी सब अपन उत्पादन निर्यात करे के लेल
से प्रमाणीकरण करबैत छल। मुदा अखन आंतरिक बाजार में बिक्री कर सेहो लाइसेंस लेब प्रभाक प्रावधान राखल गेल अछि। एहि बीच नेपाल में सेहो चीन से निर्यात कयल गेल सामान सब नकली भेल कहैत सरकार के कड़ा आलोचना भऽ रहल अछि। आब तापक्रम, अखन महेंद्रनगर के तापक्रम 27.5 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फेर से। सातु प्रदेश में कोरोना के नमूना परीक्षण शुरू, प्रदेश दू के जनकपुर में भऽ रहल ओमनी समूह संघक विवादस्पद ठेक्का समझौता भेल रद्द। सुनसरी में एम्बुलेंस के ठक्कर से स्वास्थ्य कर्मी के जान गेल, स्वास्थ्य मंत्री ढकाल विरुद्ध अख्तियार में पड़ल उजूरी। वीरगंज में नमावली संकलन करित काल दू पक्ष बीच कुटाकुट, 19 गोटे घायल। नेपाल में 1133 गोटे के कोरोना परीक्षण, 99 गोटे आइसोलेशन में भर्ना। एशियाली बाजार में तेल के मूल्य फेर घटल आ चीन द्वारा कोरोना परीक्षण किट सहित अन्य मेडिकल सामग्री निर्यात में प्रतिबंध। अहिक संग अखन के समाचार एत समाप्त भेल। हम विनोद जेबाक आज्ञा चाहे छी। सुनैत रही रेडियो स्वागतम, नभासी मेगा हर्ज। नमस्कार।